कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने परवेश वर्मा की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ की गई हेट स्पीच पर बीजेपी को जमकर लताड़ा। साथ ही गोदी मीडिया की जानिब से इस बारे में खामोशी तारी रहने और कुछ ना बोलने पर भी उन्होंने तंज किया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक इलाका है दिलशाद गार्डन, और वहां पर भाजपा के चुने हुए सांसद परवेश वर्मा ने आज से करीब दो दिन पहले एक निहायत ही भड़काऊ भाषण दिया। वहां पर एकत्रित भीड़ से उन्होंने बोला कि अगर तुम उन लोगों को समझाना चाहते हो और ठीक करना चाहते हो तो उनका पूर्ण बहिष्कार कर दो, उनसे सब्जी फल और तमाम अन्य चीजें मत खरीदो। खूब नारे भी लगवाए। एक और भाजपा के शिरोमणि है, लोनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो तो दो हाथ आगे चले गए। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि जब गाजियाबाद में सुअर कटता है, वो सुअर कह रहे थे उस अखलाक को जिसकी लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी, तो इस देश में अगर एक मुसलमान लिंचिंग से मार दिया जाएगा तो इस देश का चुना हुआ विधायक उसको सुअर कहकर बुलाएगा। अब उस भीड़ जहां पर यह हुई, जहां पर यह रैली हो रही थी, वहां पर पुलिस भी थी। तो पहला सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि अगर यह भड़काऊ भाषण नफरती भाषण नहीं है तो नफरती भाषण और क्या होता है। दूसरा, कोर्ट क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, सब जगह ये स्पीचेस हैं। क्या कोर्ट अपनी ही बात को मानकर चुप बैठा हुआ है कि अगर नफरती भाषण भी हंस के दिया जाए तो वो नफरती नहीं है। अब तीसरे मुद्दे पर आ जाते हैं कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि परवेश वर्मा ने दिल्ली के दंगों के दौरान भी ऐसी कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, और नंदकिशोर गुर्जर को तो सबने देखा था कैसे किसान आंदोलन में हाथापाई और मारपीट करने इनके गुंडे पहुंच गए थे और खुद भी पहुंच गए थे। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये सबसे प्रबल तरीका है सक्सेसफुल होने का, सफल होने का। इन सबके आराध्य, इन सबके रोल मॉडल अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं। मंच से नारा लगवाओ, गोली मारो डैश को, और उसके बाद जाकर कैबिनेट मंत्री बन जाओ। तो इन लोगों को लगता है ये सबसे शोर शॉट तरीका है, सटीक, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। अब बात आती है कि मोदी जी, क्या आप चुप रहिएगा या कुछ कीजिएगा? आपका सांसद खड़ा होके मंच से पूर्ण बहिष्कार की, सुवर होने की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा? मूक दर्शक ही बने रहिएगा? जब विदेशी देशों ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया था तो आपने तुरंत बिना समय व्यर्थ किए नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कहकर निकाल बाहर फेंका था दूध की मक्खी की तरह। ये बात अब फिर से विदेशों में जा रही है, विदेशी चैनल, विदेशी अखबार इस पर फिर से लिखना शुरू कर रहे हैं जो परवेश वर्मा जी ने रचा है। अब क्या कीजिएगा? अभी भी चुप रहिएगा? और जैसे बहिष्कार की मुहिम वो यहां पर चला रहे हैं, अगर गल्फ कंट्रीज चलाने लगी तो क्या करिएगा ये बताइए? जो लोग वहां काम करते हैं, हिंदू मुसलमान सब वहां काम करते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि नफरत की आंधी में इतने मत बह जाइए, इतने मत खो जाइए कि रैशनल थिंकिंग और जो राजधर्म है आपका वो आपको याद रहे। राजधर्म याद है ना, 2002 का पाठ पढ़ाया गया था आपको। इस देश में कानून और व्यवस्था का पालन करवाना और देशवासियों की पूर्णतः सुरक्षा करना आपका राजधर्म है। आपकी नाक के नीचे आपका नफरती चिंटू बना सांसद भड़काऊ भाषण देता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं।